देखिए, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने सीखा एक्सेल को किस तरीके से ओपन करना है, एक्सेल में कितने रो और कॉलम होते हैं, और इसके अलावा जो एक्सेल का इंटरफेस खुलता है उसमें किस ऑप्शन को, कमांड को हम क्या क्या कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग बात करेंगे वर्किंग विथ वर्कशीट, यानी जो वर्कशीट हमारे सामने खुलती है एक्सेल की, उसमें हम किस तरीके से चीजों को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हाउ टू चेंज शीट नेम। सबसे पहले हम सीखेंगे कि शीट का जो नाम होता है, बाय डिफॉल्ट एक्सेल की जो शीट खुलती है वर्कशीट उस पर बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है शीट 1, फिर अगर नई शीट आप इंसर्ट कराते हैं तो शीट 2, शीट 3। अब यहाँ पे आप शीट 1 ना करके अपना खुद का नाम अगर देना चाहते हैं तो आप किस तरीके से दे पाएंगे। तो सबसे पहला तरीका जो होता है शीट का नाम चेंज करना वो है, आप कर सकते हैं डबल क्लिक करके। दूसरा तरीका राइट क्लिक ऑन शीट और रीनेम में जा करके। और तीसरा तरीका थोड़ा सा लंबा है, आपको जाना होगा होम टैब में, सेल ग्रुप में, फॉर्मेट में, और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीनेम का। तो चलिए तीनों ऑप्शन को एक एक करके देख लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारी एक्सेल की वर्कशीट है ब्लैंक, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपको नई वर्कशीट अगर ओपन करनी है तो ये प्लस का बटन जो नीचे दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शीट 2 आ गई, शीट 3। इस तरीके से ये शीट, अनलिमिटेड शीट आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर में रैम कितना है उसके ऊपर। दूसरी बात, ये जो शीट का नाम आता है बाय डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो यहाँ पे हम अपना खुद का नाम भी अपना लिख सकते हैं रीनेम करके। तो रीनेम किस तरीके से करना है, तो पहला तरीका है इस पर डबल क्लिक करिए यहीं पे ले आके, तो आप देखेंगे इसमें कर्सर ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको मिटा करके अपना जो भी नाम आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ संडे, राइट। इसी तरीके से ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है इस पर आप राइट क्लिक करिए, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीनेम का। यहाँ पे देखिए रीनेम का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो कर्सर इसमें ब्लिंक होने लगेगा। अब आप चाहें तो इसका नाम बदल सकते हैं, तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंडे। ये हो गया दूसरा तरीका। अब जो तीसरा तरीका है वो थोड़ा सा लंबा है, आपको उसके लिए जाना पड़ेगा ओके, तो लोग एंटर हुए हैं रूम में, ठीक है। तो तीसरा तरीका है होम में आपको जाना है, होम में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का, सेल ग्रुप है ये, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था आपको लास्ट टॉपिक में कि जो हमारी रिबन होती है वो एक ग्रुप में बटी होती है, तो आपको होम टैब में सेल ग्रुप में फॉर्मेट का ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ढूंढेंगे ऑप्शन रीनेम का, ठीक है। सबसे पहले आपको जिस शीट को रीनेम करना है उस शीट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे मान लीजिए हमें इस शीट को, ये जो शीट 3 है इसको रीनेम करना है, तो शीट 3 को पहले ओपन करना है, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रीनेम, इस पे क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे कर्सर यहाँ ब्लिंक होने लगा। अब यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, सॉरी इधर क्लिक हो गया, फिर से एक बार चल रहे हैं फॉर्मेट रीनेम, और यहाँ पे आप जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन रीनेम करने का, कि शीट को अगर आप रीनेम करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, नेक्स्ट है हाउ टू कलर शीट टैब, यानी कि जो शीट टैब है, शीट टैब इसी को बोलते हैं, ये जो नाम आपने लिखा संडे मंडे ट्यूसडे इसी को शीट टैब कहा जाता है, तो इसको हम कलर भी कर सकते हैं। कलर कैसे करना है, तो कलर करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका बहुत आसान है, राइट क्लिक कीजिए उसी पे और टैब कलर में जाइए और अपना कलर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए संडे है, इस पे ये जो संडे है ये टैब, इस पे हमें कलर करना है, तो इस पे सिंपली राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टैब कलर, और यहाँ से आप जाकर के जो भी कलर आप इसके लिए सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कलर हो गया। अब ये कलर थोड़ा सा हल्का दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप दूसरी शीट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो डार्क हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका टैब को कलर करने का, शीट टैब को कलर करने का। दूसरा तरीका फिर से आपको यही जाना है होम टैब में, सेल ग्रुप में और फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको मिलेगा टैब कलर, इसी में आप जाइए और आपको जो कलर करना है वो आप क्लिक कर दीजिए। तो ये जो शीट 2 है यानी कि मंडे वाली शीट है, इस पे भी ये कलर लग गया। तो इस तरीके से हम ये जो शीट टैब होते हैं इसके ऊपर कलर लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम सीखेंगे वो है हाइड करना। अब एक्सेल में क्या हाइड होता है, हाइड का मतलब होता है छुपाना, तो एक्सेल में आप क्या क्या हाइड कर सकते हैं पहले ये समझिए। तो वी कैन हाइड रो कॉलम और शीट, यानी कि आप चाहें तो कोई कॉलम हाइड कर सकते हैं, कोई रो हाइड कर सकते हैं, मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम, या सिंगल कॉलम सिंगल रो हाइड कर सकते हैं, या फिर एंटायर शीट आप चाहें तो हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड करने के लिए भी आपके पास दो तरीके हैं, एक तो राइट क्लिक करके कर सकते हैं या फिर आपको ये लंबा पाथ फॉलो करना होगा, होम टैब में, सेल ग्रुप में, हाइड अनहाइड में जाना होगा। तो एक एक करके समझते हैं।
तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो वर्टिकल लाइनें हैं इनको हम कहते हैं कॉलम्स, ये जो वर्टिकल लाइन है इनको बोलते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको हम लोग बोलते हैं रो। अब मान लीजिए किसी कॉलम या रो को आपको छुपाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए मैं यही लिख देता हूँ, संडे। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि एक्सेल को कुछ चीजें याद है, ठीक है, क्या क्या याद है देखिए। तो एक्सेल को संडे मंडे शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों में याद है। अब ये याद होने का मतलब क्या है वो समझिए कि जब भी आप ये डेटा लिखते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, और लिखने के बाद जब आप उसको ड्रैग करते हैं, आप ड्रैग किस तरीके से करना है, तो देखिए ड्रैग करने के लिए आप माउस को जब इसके ऊपर यानी यहाँ पे कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है, जब माउस यहाँ पे ले आएंगे तो एक्स जो आपका माउस होगा वो प्लस का साइन उस पर बन जाएगा। अब इसको जब आप खींचेंगे तो देखिए ये अपने आप जो डेटा है संडे मंडे ट्यूसडे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी एक्सेल को याद है कि संडे के बाद क्या आता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, सब कुछ नहीं याद है लेकिन ये चार चीजें एक्सेल को याद है। एक साथ मल्टीपल चीजों को अगर आपको ड्रैग करना है तो किस तरीके से करना है, पहले आप कर्सर को एक पे रखिए और फिर इन तीनों को सिलेक्ट कर दीजिए, माउस की मदद से आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए कॉर्नर में फिर से बटन बन के आ रहा है, आपको माउस इसके ऊपर लेके आना है जो प्लस का बटन है, उसके बाद उसको ऐसे पकड़ के खींच देना है, ड्रैग करना, इसको क्या बोलते हैं, ड्रैग करना। तो ड्रैग करेंगे तो ये जनवरी फरवरी शॉर्ट में फुल में और संडे मंडे शॉर्ट फुल, ये एक्सेल को याद है। चलिए हमारा टॉपिक था बेसिकली हाइड करना, यानी हम चीजों को छुपाने की बात कर रहे थे। तो देखिए जिस कॉलम को आपको छुपाना है या जिस रो को आपको छुपाना है, माउस को आपको उसी के ऊपर रखना है। सपोज करिए हम ये जो डी कॉलम है इस डेटा को हम छुपाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी को दिखाई दे, तो आप माउस को डी कॉलम के ऊपर रखिएगा, यहाँ पे, यहाँ बीच में कहीं नहीं रखना है आपको। ये जो लेवल दिखाई देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लेवल, ए बी सी डी जो दिखते हैं इसको बोलते हैं लेवल। तो आपको यहाँ पे लेवल पे माउस को रखना है, राइट क्लिक करना है और इसी पे आपको ऑप्शन मिलेगा हाइट, दिस वन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके एक्सेल की शीट में से डी वाला जो कॉलम है वो हाइड हो चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए ए बी सी और सी के बाद क्या आ रहा है, ई, यानी कि डी क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। तो देखिए छुपाना बहुत आसान होता है लेकिन लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लाने के लिए आपको छोटी सी एक ट्रिक चाहिए होती तभी वो आएगा वापस, नहीं तो नहीं आएगा। कैसे वापस आएगा डी कॉलम, तो सी और ई इन दोनों के बीच की चीज छुपी हुई है तो आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा, सी को भी और ई को भी। अब राइट क्लिक कीजिए और किस पे क्लिक करिए, अनहाइड पे, तभी ये जो डी है जो छुपा हुआ है वापिस आएगा। अब इसी तरीके से आप मल्टीपल कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम को हाइड करने के लिए आपको मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए हम ये बी सी डी ई, ठीक है, इन चारों को छुपाना चाहते हैं तो इन तीनों को चारों को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और हाइड पे क्लिक कर दीजिए, तो ये चारों डेटा छुप जाएंगे। देखिए अब ए के बाद सीधे क्या आ रहा है, एफ, और लाने का तरीका मैंने आपको बताया कि जब आपको वापस लाना हो तो इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए ए और एफ, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच की चीज छुपी हुई है, राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड पे क्लिक कीजिए, तो आपका वो जो डेटा है जो छुपा हुआ डेटा वापस आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जैसे आपने कॉलम को हाइड किया वैसे ही आप रो को भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 5 रो है, इसको हमें हाइड करना है, राइट क्लिक कीजिए और हाइड पे क्लिक कर दीजिए, तो ये जो 5वीं रो है उसका डेटा क्या हो गया, हाइड हो गया। वापिस लाने का तरीका वही है, 4 और 6 के बीच में 5 आता है वही छुपा हुआ है, तो 4 और 6 दोनों को आपको सिलेक्ट करना है और अब राइट क्लिक करना है और अनहाइड पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो छुपा हुआ डेटा वापस आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आप मल्टीपल रो को भी आप हाइड कर सकते हैं, मान लीजिए आपको 5 से लेकर के 9 तक या 10 तक डेटा को हाइड करना है, तो आप राइट क्लिक कीजिए, पहले सिलेक्ट कीजिए उन सबको और फिर हाइड पे क्लिक कर दीजिए, तो ये छुप गया। वापस लाने के लिए सेम वही, आपको 4 और 5 दोनों को सिलेक्ट करना होगा और राइट क्लिक करके अनहाइड पे क्लिक करना होगा, राइट। तो इस तरीके से आप रो और कॉलम को हाइड कर सकते हैं, इसी तरीके से आप पूरी की पूरी शीट को भी हाइड कर सकते हैं। अब शीट कैसे हाइड होगी, तो मान लीजिए कि आपका ये जो मान लीजिए इस वक्त ये ट्यूसडे खुला हुआ है, मान लीजिए ये शीट कौन सी खुली हुई है, ट्यूसडे, इस ट्यूसडे वाली शीट को आप हाइड करना चाहते हैं, तो इसको हाइड करने के लिए आप क्या करिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे फिर से आपको ऑप्शन मिलेगा हाइड का, बस आपको ध्यान देना है जिसको आपको छुपाना है उसी पर राइट क्लिक करना है। अगर आप कॉलम को छुपाना चाहते हैं कॉलम पे माउस रखिए, रो को छुपाना है रो के ऊपर माउस रखिए और राइट क्लिक कीजिए। तो इसी तरह शीट को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो शीट के ऊपर माउस रखिए और राइट क्लिक करके हाइड पे क्लिक कर दीजिए, तो अब देखिए ट्यूसडे वाली जो शीट है वो हाइड हो गई। अब सवाल ये उठेगा कि वो वापस कैसे आएगा, तो आपको फिर से
किसी भी शीट पे, चाहे इस पे चाहे इस पे चाहे इस पे, कहीं भी क्लिक कीजिए राइट क्लिक, ठीक है। और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है अनहाइड में। तो जैसे ही आप अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल बताएगा कि कौन सी शीट छुपी हुई है। तो जैसे कि इस वक्त ये बता रहा है एक्सेल आपको कि ट्यूजडे वाली जो शीट है वो हाइड है। तो क्या आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं? बस आप इसको ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे ये जो ट्यूजडे वाली शीट है वो वापस आ जाएगी। अगर आप कमांड से करना चाहते हैं तो आपको फिर यही जाना है होम टैब में, सेल ग्रुप में, और इस फॉर्मेट बटन पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको हाइड अनहाइड ऑप्शन मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि आपको जिसको हाइड करना है कर्सर वहां पे रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा जो कर्सर है वो सी कॉलम में है और 11th रो पे है। अगर मैं यहाँ पे हाइड अनहाइड पे जाऊं और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ हाइड रो पे, तो क्या छुपेगा? 11th वाली रो छुप जाएगी, राइट। देखिए 10 के बाद ये जो 11 है वो छुप गया, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप हाइड अनहाइड करेंगे। कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं हाइड और अनहाइड करने के लिए, जैसे टू हाइड कॉलम, यानी कॉलम को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की प्रेस करिए कंट्रोल के साथ 0, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पे है, किस कॉलम पे है? डी कॉलम पे। अब यहाँ पे कर्सर रख के आप कंट्रोल के साथ अगर 0 दबाएंगे तो आपका वो जो डी कॉलम है वो हाइड हो जाएगा, राइट। दोबारा वापस लाने का तरीका मैंने आपको बताया, दोनों को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड पे क्लिक कर दीजिए। तो ये शॉर्टकट की है टू अनहाइड कॉलम, कंट्रोल शिफ्ट 0, या और अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं तो क्या प्रेस करिए? कंट्रोल शिफ्ट के साथ 0। और उसी तरह रो को हाइड करने के लिए आप क्या प्रेस कर सकते हैं? कंट्रोल के साथ 9, ठीक है। मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है 8वीं रो पे, तो कर्सर को यहाँ रखिए और कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करेंगे तो आपका ये जो रो है वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। 7th और 9th के बीच की रो क्या हो गई? हाइड हो गई, ठीक है। अब राइट क्लिक करके आप वापस ला सकते हैं इसको, राइट क्लिक और अनहाइड पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। मेरा राइट क्लिक थोड़ा सा गड़बड़ है, ओके। तो ये आपने देखा हाइड और अनहाइड हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह अनहाइड आपको करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 9 आपको प्रेस करना है। तो कुछ शॉर्टकट कीज भी है जहां पे आप ध्यान दे करके इसको चला सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम एंड शीट। यानी कि जैसे मान लीजिए आप कोई डेटा बना रहे हैं, उसमें आपको जरूरत पड़ जाए फिर से नई रो की या नए कॉलम की, या फिर पूरे का पूरा शीट आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो पहला तरीका तो है आपका राइट क्लिक ही। राइट क्लिक करके आप जितनी चाहें उतनी रो इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो पहले राइट क्लिक वाला ही देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये आप डेटा बेस आपने ये बनाया, अब हमें जरूरत पड़ गई कि संडे ये वाला जो कॉलम है सी में ये डेटा लिखा है और डी में ये डेटा, अब इन दोनों के बीच में हमें एक और कॉलम चाहिए फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि कॉलम जब भी आता है वो अपने से लेफ्ट में आता है, राइट। यानी कॉलम जब भी आप इंसर्ट कराएंगे तो वो आएगा कहाँ? जहाँ पे आप खड़े होकर इंसर्ट कराएंगे उसके लेफ्ट में आएगा। तो सपोज आपसे कहा गया कि सी और डी के बीच में कॉलम लेके आइए, तो आपको कर्सर यहाँ नहीं रखना है बल्कि यहाँ रखना है, ठीक है। राइट क्लिक कीजिए, ओके, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा किसका? इंसर्ट का। बस इंसर्ट पे क्लिक कीजिए तो डी के पहले यहाँ पे एक कॉलम आ गया। अब ये खिसक के कहाँ चला गया? ई वाले में, और इन दोनों के बीच में एक कॉलम यहाँ पे नया आ गया। अब एक और बात याद रखिएगा, जैसे हमने पढ़ा था कि लास्ट टॉपिक में कि एक्सेल में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ रो होते हैं आपके 10,48,576 और कॉलम होते हैं 16,384। अब सपोज यहाँ पे हम रो या कॉलम को डिलीट कर रहे हैं या फिर इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारे नंबर ऑफ कॉलम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नंबर ऑफ रो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो याद रखिएगा एक्सेल में चाहे जितने भी कॉलम आप इंसर्ट कर लीजिए, चाहे कितने भी कॉलम आप डिलीट कर लीजिए, जो संख्या रहेगी वो हमेशा वही रहेगी जो थी। यानी रो हमेशा 10,48,576 ही रहेंगे और कॉलम हमेशा 16,384 ही रहेंगे, चाहे आप कितने भी कॉलम इंसर्ट करा लें, ओके। दूसरी बात ये हो गया हमारा कॉलम इंसर्ट। इसी तरह का आपको रो इंसर्ट करना है तो कर्सर को जहां कर्सर रो के बारे में याद रखिएगा कि रो हमेशा अपने से ऊपर आती है, यानी जिस रो के ऊपर आपको डेटा चाहिए कर्सर वहीं पर रखिए। जैसे मान लीजिए हमको इस रो के ऊपर एक डेटा चाहिए, यानी कि इस वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में एक नई रो चाहिए, तो आपको कर्सर कहाँ रखना है? 6 पे, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर रो आएगी। राइट क्लिक कीजिए और किस पे क्लिक करिए? इंसर्ट पे। तो यहाँ आप देखेंगे ये वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में एक नई रो आ गई।
सेम इसी तरीके से आप मल्टीपल रो भी इंसर्ट करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिंगल सिंगल रो इंसर्ट कराएं, मल्टीपल रो भी आप इंसर्ट करा सकते हैं, बस आपको ध्यान देना कितने रो आपको इंसर्ट करने हैं। सपोज करिए 5 रो 5 कॉलम आपको इंसर्ट करने हैं, तो आपको 5 कॉलम सिलेक्ट भी करने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। इस तरह से राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट। तो जब आप इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे 5 कॉलम आपके इंसर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 कॉलम आपके इंसर्ट हो गए। सेम यही चीज आपके रो पे भी लागू होते हैं, जितनी मल्टीपल रो आपको चाहिए उतने रो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, और सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, याद रखिएगा राइट क्लिक माउस को वहीं रखिएगा, ठीक है, और राइट क्लिक करके आप इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो उतनी रो आपकी इंसर्ट हो जाएगी। और अगर आप कमांड से करना चाहते हैं, ठीक है, और या फिर एक चीज और थी शीट इंसर्ट करने की, तो शीट इंसर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको प्लस का बटन दिखता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो नई शीट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप कमांड से करना चाहते हैं तो होम में जाएंगे इसी सेल ग्रुप में, ठीक है, अब की बार फॉर्मेट में नहीं जाना है, अब की बार आपको इंसर्ट में जाना है, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ देखिए आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला है इंसर्ट सेल, दूसरा है इंसर्ट शीट रो, तीसरा है इंसर्ट शीट कॉलम, और चौथा है आपका इंसर्ट शीट। तो आपको जो भी इंसर्ट कराना है आप उसी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे आपको रो इंसर्ट करनी है तो रो पे क्लिक कीजिए। अब ध्यान रखिए आपका कर्सर कहाँ पे, तो जैसे हमारा कर्सर मैं यहाँ रख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, जैसे वेडनेसडे पे हमारा कर्सर, अब ट्यूजडे और वेडनेसडे के बीच में आपको अगर रो चाहिए तो याद रखिएगा रो हमेशा अपने से ऊपर आती है, ठीक है, तो हमें अगर ट्यूजडे और वेडनेसडे के बीच में रो चाहिए तो कर्सर कहाँ रखेंगे, वेडनेसडे पे। इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो वेडनेसडे और ट्यूजडे के बीच में एक नई रो आपकी इंसर्ट हो जाएगी। सेम बात लागू होती है कॉलम पे, मान लीजिए इन दोनों कॉलम के बीच में आपको एक नया कॉलम चाहिए तो कर्सर को यहाँ रखिए क्योंकि कॉलम हमेशा अपने से पहले आता है, इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे एक नया कॉलम आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और आता है इंसर्ट सेल, इंसर्ट सेल कब काम करता है ध्यान दीजिएगा, तो इंसर्ट सेल में होता ये है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे आप कहते हैं कि कोई ब्लैंक सेल आ जाए, तो जाहिर सी बात है ये जो सेल है जिसमें मंडे लिखा है ये कहाँ जाएगा, क्योंकि ये डिलीट नहीं होगा, अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो ये डिलीट नहीं होगा, ये इसको आपको बताना पड़ेगा कि इसको आप कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। तो जैसे देखिए कर्सर मेरा मंडे पे है और मैं इंसर्ट सेल पे जब क्लिक करूंगा तो ये एक और सवाल हमसे पूछेगा, इंसर्ट शिफ्ट सेल राइट, यानी कि अगर आपने इस पे क्लिक करके ओके किया तो ये जो मंडे है ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, राइट में खिसक जाएगा, और अगर आपने कहा शिफ्ट सेल डाउन तो ये मंडे खिसक के कहाँ आ जाएगा, नीचे, और यहाँ पे ब्लैंक सेल आ जाएगा। और अगर आप कहते हैं एंटायर रो तो जाहिर सी बात है मंडे के ऊपर एक पूरी की पूरी रो इंसर्ट हो जाएगी, अगर आप कहते हैं एंटायर कॉलम तो मंडे के इस तरफ यानी बी के पहले आपको एक पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ शिफ्ट सेल डाउन पे, शिफ्ट सेल डाउन करने से क्या होगा मैं फिर से क्लियर कर दूँ, मंडे खिसक के नीचे आ जाएगा और यहाँ पे एक सेल खाली आपको मिल जाएगा। ओके करते हैं, तो देखिए मंडे खिसक के कहाँ चलाया, नीचे, और यहाँ पे जिस सेल पे आप खड़े थे वो सेल ब्लैंक हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी जरूरत के हिसाब से कॉलम रो या शीट इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शॉर्टकट की, देख लीजिए शीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F11, यानी शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो एक्सेल पे एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, शिफ्ट के साथ F11 पर आपको प्रेस करना है, तो यहाँ पे देखिए एक नई शीट इंसर्ट हो गई। इसी तरह से इंसर्ट रो कॉलम या सेल आपको अगर इंसर्ट कराना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू से रो कॉलम या सेल नहीं आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा, कमांड आएगी, देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है, तो आपकी यही इंसर्ट की कमांड खुलेगी। अब यहाँ से आपको बताना है कि आपको करना क्या है, मतलब सेल लाना है, शिफ्ट सेल राइट करना है, शिफ्ट सेल डाउन, या एंटायर रो या एंटायर कॉलम, ठीक है, तो मान लीजिए एंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया कॉलम आपका इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाउ टू डिलीट रो कॉलम या शीट। देखिए एक्सेल में किसी शीट को, रो को, कॉलम को या शीट को आप इंसर्ट कर सकते हैं, इसी तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब डिलीट करने के लिए भी आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप राइट क्लिक से डिलीट करिए, या फिर आप लंबा तरीका यानी होम में जाइए, सेल ग्रुप में जाइए, डिलीट ऑप्शन पे जाइए और वहां जो भी डिलीट करना है वो डिलीट कर लीजिए। तो आसान होता है राइट क्लिक वाला, जैसे जिसको भी आपको डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए हमें सी कॉलम का जो डेटा है इस डेटा को हमें डिलीट करना है, तो कर्सर को बस यहीं पे रखिए, राइट क्लिक कीजिए, ओके, और
यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा डिलीट, बस इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये जो पूरा कॉलम का डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको किसी रो का डेटा डिलीट करना है तो कर्सर को रो पे रखिए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट का ऑप्शन प्रेस करिए। ओके, ये है डिलीट आपका दिस वन, तो ये पूरा रो का डेटा डिलीट हो गया। यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा मल्टीपल कॉलम या मल्टीपल रो को भी आप डिलीट कर सकते हैं, तरीका बस सिंपल सा वही है, आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मल्टीपल कॉलम का डेटा आपको डिलीट करना है तो मल्टीपल कॉलम को आप सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपका पूरा डेटा यहाँ पे छुप जाएगा। अगर आप कमांड से डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे होम में सेल ग्रुप में ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन किसका, डिलीट का। यहाँ पे आप जाएंगे तो ऑप्शन आपको मिलेंगे डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम या डिलीट शीट। तो मान लीजिए पूरी की पूरी शीट डिलीट करनी, तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो ट्यूसडे वाली पूरी शीट है ये पूरी की पूरी शीट ही डिलीट हो जाएगी। एक्सेल कंफर्मेशन आपसे पूछेगा, डिलीट का बटन दबा देंगे तो वो जो ट्यूजडे वाली शीट थी वो कम्प्लीटली डिलीट हो गई, याद रखिएगा। दूसरा कॉलम और या रो को डिलीट करना है तो आपको सिंपली जिस कॉलम या रो को डिलीट करना है कर्सर वहां पे आपको रखना है, और डिलीट में जाइए और यहाँ पे अगर आपको रो डिलीट करनी है तो इस पे क्लिक कीजिए, कॉलम डिलीट करना है तो इस पे। मल्टीपल कॉलम मल्टीपल रो को भी आप डिलीट कर सकते हैं, आपको जितने कॉलम को डिलीट करना है या जितनी रो को डिलीट करना है उसको इस तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए इतनी रो को आपको डिलीट करना है तो इतने को आपको सिलेक्ट कर लेना है, डिलीट में जाना है और डिलीट शीट रो पे क्लिक कर देना, तो ये उतने सेल जो रो है वो डिलीट हो जाएंगे। फिलहाल तो ये पूरा ब्लैंक था तो आपको पता ही नहीं चला होगा कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कोई डेटा भी रहेगा तो भी वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है सिलेक्टिंग सेल, यानी कि आप सेल को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास वैसे तो माउस होता है, माउस की मदद से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। देखिए शिफ्ट के साथ लेफ्ट या राइट एरो की दबाते हैं तो एक्सटेंड द सेल सिलेक्शन टू द लेफ्ट और राइट, मतलब समझिए कर्सर को आपने जैसे यहाँ रखा है, अब मान लीजिए आगे की तरफ आपको सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ राइट एरो की जब आप प्रेस करेंगे तो ये आगे की तरफ सिलेक्ट होता चला जाएगा। इसी तरह से आपको नीचे सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करिए, डाउन एरो की, ठीक है। और इसी तरह आपको लेफ्ट की तरफ अगर सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की आप प्रेस करेंगे तो पीछे की तरफ सिलेक्ट होता चला जाएगा, क्योंकि पहली चीज। अब दूसरा शॉर्टकट की समझिए, शिफ्ट के साथ स्पेस अगर आप दबाते हैं तो पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए कर्सर को मैंने यहाँ रखा और शिफ्ट के साथ स्पेस दबा दिया तो ये पूरा का पूरा रो, यानी कि कहाँ तक, 16,384 जो कॉलम है हमारे वहां पूरा तक, वहां तक पूरा रो आपका सिलेक्ट हो चुका होगा। यानी यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे चाहे जितना भी आगे चले जाएं ये आपको पूरा का पूरा रो सिलेक्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको एंटायर कॉलम सिलेक्ट करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे, ठीक है। कर्सर को किसी भी कॉलम पे रखिए और बस आपको कंट्रोल के साथ स्पेस दबा देना तो ये पूरा का पूरा कॉलम जो है नीचे तक, यानी 10,48,576 कॉलम होते हैं सबके सब सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस दबा देंगे तो क्या होगा, सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, यानी पूरी की पूरी वर्कशीट अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो वैसे तो पूरी की पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करने के लिए सिंपल शॉर्टकट की कंट्रोल ए होती है, कंट्रोल ए दबा देंगे तो पूरी की पूरी वर्कशीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस दबाएंगे तो उससे भी आपकी पूरी की पूरी वर्कशीट जो है सिलेक्ट हो जाएगी। तो मल्टीपल शॉर्टकट की है, इसके अलावा पूरी की पूरी शीट आपको सिलेक्ट करनी है तो एक और की होती है उसकी, जो आपका लेवल होता है यानी यहाँ पे 1, 2, 3 और ABCD होता है, इसके कॉर्नर पे आप देखेंगे ये बटन छोटा सा आपको दिखाई देगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो भी आपकी पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी, राइट। बाकी एडिट करने के लिए मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, एडिट करने की शॉर्टकट की होती है F2, यानी कि कोई डेटा आपने किसी सेल में लिखा है बाद में उसको चेंज करना है तो आप F2 सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है अल्ट प्लस एंटर, इंसर्ट ए हार्ड रिटर्न विद इन ए सेल वाइल एडिटिंग ए सेल। जैसे देखिए इसका मतलब क्या है वो समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोई डेटा लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, देखिए मान लीजिए कि आप कोई डेटा लिख रहे हैं, मान लीजिए मैं लिखता हूँ अमित और मैं चाहता हूँ कि जो कुमार है वो इसी सेल में लिखे लेकिन नीचे लिखे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने लिखा अमित कुमार
तो ये आगे की तरफ लिख रहा है अमित कुमार। अब हम चाहते हैं कि अमित कुमार कैसे लिखे, अमित ऊपर लिखे और कुमार कहाँ लिखे, नीचे, इसी के नीचे, नेक्स्ट रो में ना लिखे, इसी के नीचे। तो इस चीज को आपको लिखना कैसे, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, अमित लिख लीजिएगा। अमित लिखने के बाद आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ एंटर। तो जैसे ही अल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कर्सर उसी सेल में नीचे आ जाएगा, और अब आप लिखिए कुमार। तो आप देखिए अब ये जो है अमित ऊपर कुमार नीचे, यानी किसी एक सेल में ही अलग अलग लाइनों में आपको लिखना हो तो शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ एंटर। इंपॉर्टेंट है, कभी चीजें फंस जाती हैं तो हमें ये अगर याद रहे तो अच्छा है। बाकी एस्केप हम प्रेस करते हैं किस लिए, कैंसिल एन एंट्री इन ए सेल और द फॉर्मूला बार। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, अजीत कुमार सिंह। अब मान लीजिए कि ये हमने लिखा, अगर एंटर करेंगे तो ये फीड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप एस्केप दबा देते हैं तो जो भी आपने लिखा होगा मैटर वो एक बार को हट जाएगा। तो एस्केप किस लिए होता है, कैंसिल करने के लिए, कोई भी एंट्री को कैंसिल करना हो तो आप एस्केप प्रेस कर सकते हैं। बाकी एंटर आपको पता है कि डेटा, जो भी आप डेटा फीड करते हैं उसको कंप्लीटली कंप्लीट करने के लिए आप क्या प्रेस करते हैं, एंटर, कंप्लीट एन एंट्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए विनय कुमार, मैंने ये डेटा लिखा, डेटा लिखने के लिए एक्सेल में क्या करना होता है, तुरंत जब डेटा कंप्लीट हो जाता है तो तुरंत आपको एंटर प्रेस करना होता है, तो ये डेटा जो है इस सेल में फीड हो चुका है। तो ठीक है, आज हम लोग ने बात की किसकी, वर्किंग विथ वर्कशीट, यानी वर्कशीट में आप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आप रीनेम करते हैं, शीट टैब पे कलर कैसे लगाते हैं, हाइड अनहाइड, इसके अलावा इंसर्ट, और लास्ट में हमने सीखा डिलीट वगैरह। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे स्टॉप।